आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। महाराष्ट्र के रियासती वजीर टेक्सटाइल चंद्रकांत पाटिल ने आज मालेगांव में पावरलूम कारखानों का दौरा किया और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मारूफ साहबी निखिल वागले की गाड़ी पर हमले के खिलाफ आज मालेगांव शहर में महाविकास अघाड़ी के लीडरान ने एहतजाज करते हुए वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा का मुतालबा किया है। मुंबई में एनआईए की खसूसी अदालत ने 2008 मालेगांव बम धमाके के मफरूर मुल्जिम रामचंद्र कुलसिंगरा की जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी किया है। नितेश राणे के जरिए मालेगांव शहर को मिनी पाकिस्तान कहने के बयान को रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल ने गलत करने से इनकार करते हुए कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं बल्कि राणे की निजी राय है। उद्धव ठाकरे ने वजीर आला एकनाथ शिंदे हुकूमत के खिलाफ जारहाना हमला करते हुए मुतालबा किया कि महाराष्ट्र में सदर राज नाफिस किया जाए और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएं। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस मुख्तलिफ तरक्कियाती कामों का इफ्तिताह करने के लिए आज नासिक के दौरे पर हैं, लेकिन इस मौके पर उन्हें सिया काले झंडे दिखाकर एहतजाज किया गया। एनसीपी लीडर छगन भुजबल को धमकी भरा खत मौसूल होने के बाद उन्होंने कहा कि इस खत में बताया गया है कि उन्हें कत्ल करने के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा किया गया था। मुंबई के आजाद मैदान में एहतजाज करते हुए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पावरलूम सनत और इससे वाबस्ता अफराद की बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2024 लोकसभा इंतखाबात से कबल ही मुल्क में शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिस कर दिया जाएगा। लोकसभा में राम मंदिर से मुतालिक मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबरा और रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने यकसां सुप्रीम कोर्ट पर कहा है कि ये इस्लाम कुरान और तमाम मजहब के मुखालिफ है। जेएनयू में तलबा यूनियन के इंतखाबात के इनेकाद के लिए बुलाई गई मीटिंग के दौरान एबीवीपी और बाएं बाजू के हिमायती ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया है। मगरबी बंगाल में इस्लामिक एसोसिएशन फॉर पीस ने चीनी कौंसिल खाने के सामने चीन के जरिए एगोर मुसलमानों पर मुबैना जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान में इलेक्शन के नतायज इमरान खान के हक में आते ही पाकिस्तान में सियासी तस्वीर ही बदल गई है। अदालत ने 12 मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का अपने बयान में कहना है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में आज़ादी इजहार राय पर गैर मामूली पाबंदियां लगाई गई हैं। इत्तला है कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। वो यहां हुकूमत साजी के लिए दो मंसूबों पर काम कर रहे हैं। इंतजामिया कमेटी ने मस्जिदुल हराम में आने वाले जायरीन पर पानी के कैन और बैग अपने साथ लाने पर पाबंदी आयद कर दी है, ताकि दीगर उम्रा जायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आज सुबह रफा में इजरायली हमले में कम अज कम 28 फलस्तीनी हलाक हो गए। इजरायली वजीर आजम ने फौज से कहा है कि वह जमीनी हमले से कबल जुनूबी गजा शहर से लाखों लोगों के इनखिला का मनसूबा बनाए। बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कागज 2 का पहला पोस्टर जारी किया है। इसके साथ ही अनुपम खेर ने अपने दोस्त अनजानी अदाकार सतीश कौशिक के लिए एक जज्बाती पोस्ट भी लिखी है। 71वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब 22 फरवरी को नई दिल्ली के अशोका होटल में मुनाकिद होगी। ग्रैंड फिनाले तकरीब 9 मार्च को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद की जाएगी। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया।